मतलब तुम ये कह रहे हो कि वो वही सैंडल पहनकर शिप पे चली गई? जी। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बार फिर सोच लो, तुम नहीं जाना चाहते हो? मिस्टर जैंग, बोलो। 400 सालों से हूं मैं यहां। इस दौरान बहुत से हादसात हुए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। बहुत तकलीफ दे हैं वो। बाबा, बाबा दरवाजा खोलिए। बाबा, बाबा दरवाजा खोले, मैं हूं, खोलिए दरवाजा। जल्दी आओ, देखो कौन आया। जल्दी जल्दी आओ, आओ आओ सब आओ। बड़ी बेगम साहिबा, जल्दी आइए, हमारी छोटी मालकिन सिंधा वापस आ गई। सुमा मेरी बच्ची, तू वापस आ गई, कैसी है तू? मुझे तो ऐसा लगा था कि तुझे दोबारा नहीं देख पाऊंगी मैं। हमें लगा तू मर गई है। मैं तो मर ही चुकी थी माँ, मेरे सास और ससुर ने मुझे मार डाला और दुनिया वालों को ये दिखाया कि मैं मर चुकी हूँ। बेटी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। इन्होंने मेरी जान बचाई, ये मुझे सही सलामत आप लोगों के पास ले आए। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन इन्होंने मेरी बहुत मदद की। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई और उसे सही सलामत घर ले आए, मैं इस बात के लिए तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं अपनी खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ। अब तुम यहाँ आराम करो और इसे अपना ही घर समझो। अच्छा, तो अब मैं इजाजत चाहता हूँ। जिंदगी से बेहतर है कि तू इस सद की मौत मर जाए। अगर तू जिंदा रही तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तू हमारे लिए इस वक्त बहुत बड़ा दाग है। काश तुझे पैदा होते ही मार देती मैं। वैसे भी तू हमारे लिए पहले ही मर चुकी थी, तू दोबारा मर जा। क्यों मार रहे हो मुझे? मैंने क्या किया है माँ? तू अभी यहां से भाग जा, कहीं दूर चली जा। तेरे बाप को नहीं पता कि मैंने तुझे छोड़ दिया है। अगर उसे पता चल गया कि तू जिंदा है तो वो मुझे भी मार डालेगा। इसीलिए कह रही हूँ तुझसे कि तू कहीं दूर चली जा, तुझे जाना ही होगा। अगर तू यहाँ रही तो मारी जाएगी। मेरा कसूर क्या है माँ? तेरा कसूर
ये है कि तू एक अनजान आदमी के साथ घर वापस आई है। तेरे बाप को अपने खानदान की इज्जत तुझसे ज्यादा अजीज है। तुझे नहीं पता था अपने बाप के बारे में? तूने उस लड़के से मदद क्यों ली? उसने सिर्फ मेरी मदद नहीं की बल्कि मेरी जान भी बचाई। वो कहाँ है? कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया आपने? ये मर गया है या जिंदा है? अच्छी तरह बांधा है ना? इसने वो जहर वाला खाना खा लिया था, पर वो जहर इस पर असर नहीं कर रहा जनाब, जबकि वो जहर बहुत जहरीला था। मुझे माफ कर दीजिए जनाब। बुरा दिन था वो, आज भी उसके बारे में सोचता हूं तो कांप उठता हूं। चाहकर भी उसे भुला नहीं पाता। हाँ, तुम्हारी उम्रें लंबी होती हैं तो तुम्हारी तकलीफें भी बहुत ज्यादा होंगी। हाँ, लेकिन उम्र चाहे जितनी भी लंबी हो, मरना तो सभी को है एक दिन। मैं जानता हूं कि हमें एक दिन बिछड़ना है, मगर हम इस सच्चाई को भुलाकर रोज एक दूसरे से मिलते हैं। इंसान भी कैसा है ना, खुद को ही बेवकूफ बनाता है हर दिन। वैसे मैंने अब इस सच्चाई को मान लिया है। याद रखो, हमारा मुस्तकबिल तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक हाल अच्छा नहीं हो जाता। अगर तुम्हें अपना मुस्तकबिल अच्छा करना है तो तुम्हें पहले अपने हाल के बारे में सोचना होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो क्या तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं होगा? चैंग ने अपने करियर का आगाज एक कमर्शियल से किया था जो कि एक चॉकलेट कंपनी के लिए था। उस वक्त से उनको शोहरत मिली और लोगों ने उनकी एक्टिंग को भी बहुत पसंद किया। अपने कैरियर का पहला ड्रामा जिसमें उन्होंने एक बच्चे का किरदार अदा किया था वो भी बहुत फेमस हुआ। उन्होंने उस कैरेक्टर को बाखूबी निभाया जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। एक्टिंग करने के साथ साथ वो मशहूर मॉडल भी बन चुकी हैं। और आज हमें चैंग से ये जानना है कि उनका पहला प्यार कौन था। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहला प्यार? मैं अपनी लाइफ में बहुत से लड़कों से मिली हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसको ये कहा जा सके कि वो मेरा पहला प्यार है। लेकिन बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी उस वक्त एक लड़के ने मेरी जान बचाई थी। उसका चेहरा तो मुझे याद नहीं, लेकिन अजब सी बात थी उसमें। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने आसमान से आके मेरी मदद की हो। यूं लगा था वक्त रुक गया हो। मैं आज भी उस लम्हे को भूली नहीं। सिर्फ एक बार मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ। मुझे यकीन है अगर उसने उन्हीं नजरों से मुझे दोबारा देखा तो मुझे प्यार हो जाएगा। तीन दिन पहले क्रूज शिप से जो एक्ट्रेस अचानक लापता हो गई थी
उनकी तलाश अब भी जारी है और हमें उम्मीद है कि पुलिस को कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पुलिस को रिवर से अभी अभी एक लाश मिली है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल रवाना किया जा रहा है। हम आपको मजीद मालूमात की इत्तला देते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्लीज सामने से हटिए। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस वक्त कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। हम आपको सब बताएंगे। अभी हटिए, पीछे हटिए प्लीज। ये बात तो तय है और मेरा एक्सपीरियंस भी कह रहा है कि ये मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड ही की है उसने। और लास्ट ट्वीट में भी उसने यही लिखा था कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों से मैंने मालूम किया है, वो भी इसके बारे में यही कह रहे थे कि योरा कुछ दिनों से डिप्रेशन में थी। ये एक्ट्रेसेस ऐसा ही करती हैं हमेशा। एक दो फिल्में इनकी फ्लॉप क्या हो जाए, ये ड्रग्स लेना शुरू कर देती हैं और फिर सुसाइड। इस केस को एक नया ऑफिसर देख रहा है, ये उसका पहला केस है और वो हर तरह की छानबीन कर रहा है इस मामले की। ये नए बच्चे ट्रेनिंग लेते ही हमारा दर्द सर बन जाते हैं। ये रिपोर्टर मुझे सुबह से तंग कर रहे हैं और काम भी नहीं करने दे रहे कुछ। ये केस मुझे जल्दी सॉल्व करना होगा वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ये आदमी कौन है? लाइए। हाय, मैं डिटेक्टिव यूरक। थैंक यू, अच्छा लगा मिलकर। आप भी? हाँ, मैं जानता हूँ तुम इस केस के नए ऑफिसर हो। यूरक, क्या तुम इस केस को क्लोज कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि इस केस में डिटेक्टिव की जरूरत है। वैसे मैं आज ही हॉस्पिटल जाकर उसकी बॉडी देख कर आया हूँ। उसकी बॉडी पर एक भी चोट का निशान नहीं है। ठीक है ना, तो केस बंद कर दो। हाँ, कह तो आप ठीक रहे। मैं तो कहता ही ठीक हूँ और मेरा एक्सपीरियंस भी कह रहा है। एक बार सीसीटीवी फुटेज देख लें। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं देखा होगा? मेरी काबिलियत पर शक है? मुझे आपकी काबिलियत पर शक नहीं है, लेकिन एक बार देखने में क्या है। 77 गेस्ट की लिस्ट मेरे पास मौजूद है जो उस पार्टी में इनवाइटेड थे और एंट्री के दौरान इन सबकी चेकिंग भी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि बिना चेकिंग के और बिना परमिशन के कोई भी आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। दूल्हा दुल्हन फेमस थे तो उनकी शादी में फेमस लोग ही आए थे। तुम क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? ऐसी कोई भी शक्ल नहीं होगी जिसे हम ना जानते हो। इन लड़कियों को देख कर तुम्हें खुशी नहीं हुई? बाय। ओ, कितनी ठंड है यहाँ, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। ओ, बहुत सर्दी है। तो तुम्हें कुछ गर्म कपड़े पहनकर आना चाहिए था ना। मेरी तरह हाईनेक पहन लेती तो ठंड नहीं लगती। थैंक यू। मैनेजर को क्यों नहीं आने दिया उन्होंने मेरे साथ? सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने ऐसा किया हुआ है। ऐसी भी क्या सिक्योरिटी। क्यों नहीं, तुम अपना फंक्शन करवाओगी तो सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखोगी और तुम उन्हीं लोगों को बुलाओगी जिन्हें तुम जानती होगी। क्या बात है, कितनी फिक्र करते हो ना तुम। मेरी इतनी फिक्र तो कोई नहीं करता। यही तो बात है कि तुम्हें यकीन नहीं आता। क्या होगा यकीन करके। ओ ओपा भाई। हेलो ओपा, काफी दिनों बाद देखा तुम्हें, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ। अच्छा, तुम यहाँ अकेले आए हो या किसी को साथ लेकर आए हो अपने? क्यों? यूरा से सुना था, वो कह रही थी कि वो सीईओ फैमिली की बहू बनने वाली है। अब तुम दोनों ही हो उस फैमिली से, एक तुम हो और दूसरा ये। नहीं तो, मैं तो नहीं जानता उसे। वो सिर्फ हमारी कंपनी की एक मॉडल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम लोगों को शायद गलतफहमी हुई है। सही कहा, उसे इस तरह की झूठ बोलने की आदत है और उसे पता नहीं कास्ट क्यों करते हैं। एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती उसे, उससे अच्छी तो एक्स्ट्रास कर। क्या कर रही हो, लोग देख रहे हैं तुम्हें, सब जानते हैं तुम्हारे और योरा के दरमियान अनबन चल रही है। हाँ तो ये बातें लोगों से छुपती थोड़ी है। दुल्हन का कमरा कहाँ है? मुझे जाके देखना है उसे, कैसी लग रही है वो। ओ यूनी। ओ चैंग, कैसी हो? आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो तुम। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, आज तुम जितनी खूबसूरत लग रही हो ना, इससे पहले कभी नहीं लगी। सच कह रही हो क्या तुम? ओवर तो नहीं लग रहा ना? सच कह रही हूँ, बहुत सारे लोगों के दिल जल जाएंगे आज। वो तो है, और अब तो तुमने भी कह दिया। मुबारक हो। थैंक यू योरा।
अच्छा तुम फूलों का गुलदस्ता किसकी तरफ फेंकोगी? जैनी की तरफ फेंकूंगी। लेकिन उसका तो ब्रेकअप हो गया है। क्या वाकई? मुझे तो नहीं पता। क्या तुम किसी को चाहती हो? सुना है आधी रात को यहाँ आतिशबाजी होगी। हाँ होगी, बस उसी वक्त सबको मैं सरप्राइज दूंगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब लोगों की शादी को भी कॉपी करोगी तुम? अगर अपने आप पर नजर डालोगी तो पता चलेगा कि कॉपी कौन कर रहा है। वाओ ब्यूटीफुल। मैंने तुम्हें कॉपी नहीं किया। मैं इस शहर की वाहिद लड़की हूँ जिसने कभी अच्छा, भी किसी बस की... करो तुम दोनों यार, हर वक्त लड़ती रहती हो। चलो आओ मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाओ। दुल्हन के क्लोज हो जाए आप लोग। तुम दोनों ये क्या कर रही हो? चलो रेडी हूँ मैं, खींचो। क्या मुसीबत है, दोबारा से तस्वीर खींचिए। ग्रुप फोटो खींच रहा हूं, सब लोग सामने देखिए। खाना शुरू भी हो गया? तुम कहां रह गई थी? हाँ यूरा अपना पर्स भूल गई थी नीचे, उसी को ढूंढ रही थी। तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया है? ओहो मैं झगड़ा नहीं करती, वो करती है झगड़ा। खैर छोड़ो, ये बताओ खाने में क्या है? क्या खाओगी तुम मुझे बताओ, मैं ले आता हूँ। फ्राइड राइस? फ्राइड राइस कौन खाएगा यहाँ? एक्सक्यूज मी, सी फूड मिलेगा? जी चैंग, इनके पास सी फूड कहाँ से होगा? क्यों, समंदर में शिप लेकर घूम रहे हैं, इनके पास सी फूड नहीं होगा? मुझे प्रॉन्स चाहिए और साथ में सूप भी। क्या हुआ, कोई गलत बात कह दी क्या? डायरेक्टर डार्क जी, खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। अच्छा बहुत शुक्रिया। आप नई फिल्म बनाने जा रहे हैं ना, सुना इसके बारे में, अच्छी लगी मुझे स्टोरी। आप तक ये स्टोरी कैसे पहुंची? मेरी सिक्योरिटी तो बहुत सख्त है। आपने वो चैंग सॉन्ग को दी थी ना, वो पढ़ रही थी तो मैं भी वहीं थी, तो इसलिए मैंने भी थोड़ी सी पढ़ ली। अगर आपको लगे कि मेरे लिए कोई करेक्टर है तो। हाँ क्यों नहीं, वैसे आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगी? क्या मैडम जी, अब काम चाहिए तो मुझे भी खुश करना होगा, कुछ समझी? तुम्हें यकीन है कि तुम्हें अपनी फिल्म के लिए नए स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी? मुझे लगता है कि शायद पड़ेगी। तुम्हारी फिल्म के लिए ज्यादातर SEO कंपनी ही इन्वेस्ट करती है ना, अगर वो मना कर दें तो क्या होगा? एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? हाँ माफ करना, मैं अपना तारुफ करवाना भूल गया, वो कंपनी मेरे भाई की है। वो अक्सर मुझसे पूछता रहता है कि स्टोरीज कैसी होनी चाहिए। वैसे मैं आपकी स्टोरी पढ़ चुका हूँ, इतनी कोई खास नहीं है। वो तो अक्सर मुझसे कहता रहता है कि ये वाले काम मैं हैंडल कर लूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता। पर अब सोच रहा हूँ मुझे देखना चाहिए, भाई की कंपनी है, अगर फिल्म हिट ना हुई तो क्या होगा? सही कहा ना? हाँ। ये क्या किया, ऐसे नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। तुम तो इधर आओ ना जरा, तुम्हें पता है वो किस किस्म का आदमी, उसके लिए औरत की कोई इज्जत नहीं, सब जानते हैं कि वो किस नेचर का है। और तुम? अच्छा ठीक है, मेरी गर्दन छोड़ो, सब देख रहे हैं। दिमाग का इस्तेमाल किया करो, हर आदमी भरोसे लायक नहीं होता, तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा कर सकती हो।
क्योंकि मेरे अलावा कोई नहीं जो तुम्हारे लिए अच्छा और बेहतर सोच सकता है। इतना क्यों सोच रहे हो मेरे लिए? मैं इसलिए कि तुम मेरी होने वाली बीवी की बेस्ट फ्रेंड हो। वैसे वो है कहाँ? नजर नहीं आ रही। पता नहीं, शायद ऊपर गई है। ऊपर? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर से कुछ उल्टा सीधा कर बैठी तो? वो तो मौका ढूंढती है झगड़ा करने का। चंग सुन ध्यान से तुम। देख, ठीक हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूं। चैंग सॉन्ग अभी ऊपर थी, कहाँ गई? कहाँ ऊपर थी, क्या बोल रही? मैंने उसे वहाँ ऊपर सीढ़ियों के पास देखा था। ये क्या हो रहा है यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? शिप पे हादसा पेश आ गया है और कुछ लोग भी गायब हैं। गायब है? ये क्या कह रहे हो? ओ सिमी आ गई। सिमी, क्या हो रहा है यहाँ पर? चैंग सॉन्ग मिल नहीं रही, काफी देर से उसे ढूंढ रहे लेकिन उसका कुछ पता क्या? नहीं। क्या सिर्फ चैंग गायब है? नहीं, योरा का भी कुछ पता नहीं चल रहा। उन दोनों को ही तलाश किया जा रहा है। क्या क्या उठो चैंग, इधर नहीं, इस तरफ, इस तरफ। फिर से तबीयत खराब कर ली है तुमने। ये दोनों यहां से निकलकर यूरा को ढूंढने जाते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। उस लड़की की मौत एग्जैक्टली किस वक्त हुई? एक मिनट बताता हूं। उसको आखिरी बार किसी ने लेडीज बाथरूम में देखा था। विटनेस का कहना यह है कि वो वॉशरूम में किसी के साथ बहस कर रही थी और उस वक्त तकरीबन टाइम था 11:30। आखिरी बार इस लड़की को यही देखा गया था। और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि योरा 12:30 पर लापता हो गई थी। तो ये जो कुछ भी हुआ है इसी एक घंटे में हुआ है। यार, ये रिपोर्टर सुबह से एक ही बात पूछे जा रहे हैं। इन्हें लगता है कि योरा को चैंग सॉन्ग ने मारा है। चैंग के मुतालिक कोई सबूत मिला है हमें? कोई सबूत नहीं है, लेकिन दोनों की बनती नहीं थी तो लोगों का यही कहना है कि इसको चैंग ने मारा है। बाज अफवाहें सच से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। अगर हम एक ही बात बहुत सारे लोगों से सुने तो हम उसे सच मान लेते हैं, चाहे वो सच हो या ना हो। लोगों के बारे में बैठकर बातें बनाना बिना सोचे बिना समझे, दूसरों की बातों पर यकीन कर लेना, अफवाहों पर यकीन हर दौर में लोग करते रहे हैं और इसी वजह से बहुत से लोगों ने बड़े नुकसान उठाए हैं। इसलिए सिर्फ अपनी आंखों पर यकीन करें, सुनी सुनाई बात पर नहीं। मुझे तो गड़बड़ लग रही है, यूरा ऐसे खुदकुशी कैसे कर सकती है? सुना है यूरा की खुदकुशी की वजह चैंग है। क्या वाकई? चैंग आज कॉलेज नहीं आई थी। अरे, उसके पास कॉलेज आने की फुर्सत ही कहाँ है, कभी आते हुए देखा है उसे? तुम लोगों ने चैंग की वीडियो देखी यूट्यूब पर? नहीं तो। चैंग और यूरा साथ में लड़ाई करते हुए, क्या तुम दिखा सकते हो? हाँ, ये देखो। मैं जानती हूँ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुमने कभी अपने बारे में नहीं सुना? देखो, दोनों लड़ाई कर रही हैं। ओ, तो मैं बूढ़ी औरत से बात कर रही हूँ। ये वीडियो लीक किसने की होगी? मुझे वाकई लिहाज रखना चाहिए। तुम मेरी सीनियर नहीं हो, सीनियर मैं हूँ तुमसे। मैं 12 साल की उम्र से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, तो कौन हुआ सीनियर? इसने तो बहुत बेइज्जती कर दी। सुना रही है, तुम्हें चुपती है, जलन होती है तुम्हें मुझसे। एक ड्रिंक वापस रख लीजिए, शुक्रिया। तीन दिन पहले क्रूज शिप से जो एक्ट्रेस अचानक लापता हो गई थी और आज पुलिस और रेस्क्यू की मदद से जो लाश रिवर के पास से बरामद हुई थी,
उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। उस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वो लाश उसी एक्ट्रेस की है जो उस रात क्रूज शिप से गायब हो गई थी। यहाँ हम आपको एक अहम खबर देते चलें। बहुत से लोगों का कहना है कि उनकी मौत की जिम्मेदार चेंग सॉन्ग है और कुछ दिन पहले योरा और चेंग सॉन्ग की आपस में लड़ाई भी हुई थी। ये बात तो सच है कि योरा बहुत दिनों से परेशान थी और उसका डिप्रेशन चेंग की वजह से बढ़ता ही जा रहा था। इमेजिन करें कि अगर आपका जूनियर आपकी बेइज्जती करे तो आपको कैसा महसूस होगा। योरा जब भी चेंग से मिलती थी तो उनका झगड़ा ही होता था, ऐसा इस वीडियो में भी देखा जा सकता है। वैसे योरा एक अच्छी लड़की थी, वो हमेशा से इस बात की कोशिश करती थी कि लड़ाई झगड़े से दूर रहे, लेकिन चेंग की वजह से उसने अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में डाल लिया। बहुत ही मुश्किल से जिंदगी गुजार रही थी वो, और आज वो हम में नहीं है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या कैसे? हम आपको बताते चलें कि यूरा की लाश मिल गई है और पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही है। तुम लोग आज कोई गड़बड़ मत करना। करना चाहते हैं कि लोगों का कहना है कि योरा की मौत में चेंग सॉन्ग का हाथ है। तुम दोनों ने सुना नहीं? जल्दी से खाना खत्म करो, यहाँ से अपने कंप्यूटर उठाओ और चलते बनो, समझ गए? चुके हैं कि योरा को चेंग सॉन्ग। ये न्यूज़ वाले क्या बोल रहे हैं? हे, थोड़ा आराम से बात करो ना, क्यों हमें डिस्टर्ब कर रही हो? लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है कि असल हकीकत है। ये न्यूज पे क्या आ रहा है? इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या वाकई योरा की मौत? मैं तो इससे शादी करने का सोच रहा था, मगर ये तो कातिल बन गई है यार, अब ये मेरी लिस्ट में नहीं रही। चुप करो, वो जैसी भी हो किसी का खून नहीं कर सकती, मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। वो मेरी दोस्त है, तुम अपने मोटे दिमाग में ज्यादा जोर मत डालो। क्यों हंस रहे हो? सारा दिन तो तुम यहाँ लाइब्रेरी में रहती हो और तुम कह रही हो कि वो तुम्हारी दोस्त है। तुम तो हमें झूठ बोलने से मना करती हो। हाँ, और खुद कितना बड़ा झूठ बोल रही हो कि तुम उसकी दोस्त हो। हम आपको बताते चलें कि योरा की लाश मिल गई है और पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही है। क्या वाकई योरा की मौत में चेंग सॉन्ग का हाथ हो सकता है? सर, नेट पे भी लोगों के कमेंट्स आने लग गए हैं, लोगों का इस बारे में बहुत बुरा रिएक्शन आ रहा है। क्या मसला है? ये लड़की मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन उठाओ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उसके घर जाओ, प्रेस वालों को मिलने मत देना उससे, और उससे कहना कि घर से बाहर मत निकले। जाओ। जी। हाँ, क्या हुआ? जल्दी से नीचे पार्किंग में चली जाओ फौरन। क्यों, क्या हो गया है अब? क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखी? पुलिस को योरा की लाश मिल चुकी है। वो मर गई? हाँ। ये कैसे हुआ? कल तो मिली उससे, कैसे हुआ ये? वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त तुम घर से फौरन बाहर निकलो, फौरन। कहाँ जाऊँ? नीचे कार पार्किंग में, बेसमेंट में चली जाओ, कहीं भी चली जाओ, रिपोर्टर्स ऊपर आ रहे हैं। लिफ्ट चेक कर लेना, अगर कोई ऊपर आ रहा है तो उसे बच जाना। तो फिर क्या करूं मैं? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या, ये तो ऊपर आ रहे हैं। इमरजेंसी एग्जिट लो, सीढ़ियों से नीचे जाओ। सीढ़ियों से? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सीढ़ियों से बच जाना। अब क्या हो गया? क्या यहाँ से भी कोई आ रहा है? हाँ, कुछ लोग सीढ़ियों से भी जा रहे हैं। तुम एक काम करो, घर वापस चली जाओ। वापस घर जाऊँ? ओके। क्या, मैं क्यों भाग रही हूँ? मैंने क्या किया है? देखो, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, इस वक्त सिर्फ अपने आप को बचाओ। अच्छा, घर जाओ और अपने आप को लॉक कर लो। नहीं, पासवर्ड क्या रखा था मैंने? अरे, कल तो तुमने नया पासवर्ड लगाया था अपने घर का। वही तो पूछ रही हूँ, भूल गई हूँ मैं पासवर्ड। शिट। तुम अंदर चलो, अंदर चलो। फ्लैट नंबर तो यही है ना? चेंग सॉन्ग बाहर आइए। यही फ्लैट है ना? हमें तो यही फ्लैट नंबर बताया था। अच्छा, तो आखिर कब तक छुपेगी?
बाहर क्या हो रहा है कुछ? चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? मेरी मदद करो प्लीज, अगर मैं बाहर गई तो ये मेरी बहुत बेइज्जती करेंगे। आई एम सॉरी, क्या तुम्हारे घर में कुछ खाने को है? मंचूरियन, राइस या नूडल्स वगैरह? वो क्या है कि कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। हटो सामने से। हट जाओ। हेलो। हाँ यार, हम लोग चैंग सॉन्ग के घर के बाहर हैं। नाजिन, हम आपको बताते चलें, इस वक्त हम चैंग सॉन्ग के फ्लैट के बाहर खड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया और वो घर से बाहर नहीं आए। हम एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं। देखा नाजिन आपने, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। उनके पड़ोसी बाहर आए, आए उनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने चैंग को देखा है? कैमरा बंद करो अपना। बंद करते हैं। क्या मतलब यूरा की मौत मेरी वजह से हुई है? छोटी मोटी लड़ाई हो जाती थी हमारी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसकी जान ले लूंगी। वो सब ठीक है, लेकिन इस वक्त हालात बहुत खराब है। सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं, इसलिए घर से बाहर मत निकलना। अच्छा हुआ रिपोर्टर से तुम्हारा सामना नहीं हुआ। अच्छा, पैट्रिक को भी अभी लोगों ना था। क्या मुसीबत है, इसके पास तो मोबाइल भी नहीं है, कोई लैंडलाइन नंबर भी नहीं। आखिर ये कैसी जिंदगी गुजार रहा है, समझ नहीं आ रहा। क्या मैं लॉक हो चुकी हूँ यहाँ पर? यहाँ आओ जरा मेरे पास। कहाँ लेकर जा रही हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। चैंग सॉन्ग कहाँ है? सुबह से हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, आपको नहीं पता क्या? 500 लोगों की कॉल आ चुकी है सिर्फ चैंग सॉन्ग के लिए, मैंने फोन ही बंद कर दिया है। खैर ठीक है वो अब। अच्छा, मैं तो परेशान हो रही थी। डैड कहाँ हैं? तुम तो जानती हो ना उन्हें, वो अपने प्रोजेक्ट में बिजी रहते हैं। वो कौन? तुम्हारे डैड की बात कर रही हूँ, और किसकी बात करूंगी। अच्छा सुनो, टेलर बता रहा था कि चैंग का कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म होने वाला है, और जिन हालात से वो गुजर रही है उसे आगे काम भी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बारी है, चैंग के बाद अब तुम ही हो जो मीडिया पे राज करेगी। प्लीज मॉम, वो मेरी दोस्त है और मुझे इसके लिए बुरा लगता है, आप प्लीज इस तरह की बातें मत किया करें। ठीक है उसे समझना मुश्किल है, बहुत जगह वो गलत बातें कर जाती है, लेकिन ऐसी बात मैं उसके लिए सोच भी नहीं सकती। आप ही बताएं, अगर मेरे बारे में कोई ऐसा सोचे तो आपको कैसा लगेगा? यानी कि तुम जिंदगी भर सपोर्टिंग एक्ट्रेस बन के रहना चाहती हो, तुम आगे नहीं बढ़ना चाहती? जवाब दो, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। मॉम। क्या मॉम? मुझे बहुत बुरा फील होता है जब लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं। हम नहीं जानते कि हमारी आने वाली जिंदगी कैसी होगी, इसलिए मेरी बातों को समझने की कोशिश करो बेटी। मैं हरगिज़ तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, मैं तो बस तुम्हें जिंदगी भर खुश देखना चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम्हारी उटलियों की जल्द अज जल्द शादी हो जाए। आखिर क्या कर रहे हैं ये लोग? अभी तक मालूम ही नहीं हुआ कि योरा की मौत कैसे हुई है, क्यों इतनी लापरवाही बरत रहे हैं? देखिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। Excuse me, sir. तुम्हें कहा था ना कि डिस्टर्ब मत करना। सर हमारे स्पॉन्सर बहुत गुस्से में, और वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी डील आपकी कंपनी के साथ कैंसिल कर देंगे। वो हम पर केस करने को भी कह रहे हैं। ड्रामा का क्रू आपसे मिलना चाहता है सर। क्या? क्योंकि बुलेटिन बोर्ड कंपनी बंद हो चुकी है।
मैं इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप फिलहाल घर चली जाइए। जैसे ही कोई खबर मिलेगी तो मैं आपसे रब्ता करूंगा। रुक जाओ, बात सुनो मेरी। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात की थी? मैंने बहुत सोचा उस बारे में और फैसला किया कि कॉन्ट्रैक्ट कर लूं। क्या? सही कह रही हूं मैं? मैं चेंग सॉन्ग को समझाऊंगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और सबसे पहले तुम्हारा ही काम किया जाए। तो फिर तुम हमें कब बुला रहे हो साइन करने के लिए? कहो तो अभी बुला लूं उसे। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। रुक जाइए, पहले मैं बाहर स्पॉन्सर से मिलूं, फिर हम बात करेंगे। ओके, ठीक है, मैं चलता हूं, मिल लूं उनसे, फिर आता हूं। नंबर क्यों बंद है इसका? ओह गॉड, उसे बोला भी था कि मुझे भूख लग रही है, फिर भी चला गया मुझे यूं अकेला छोड़ के। अब क्या करूं मैं? सही कहते हैं लोग, शैतान को याद करो वो हाजिर हो जाता है। तुम्हारे बारे में भी कुछ ऐसे ही ख्याल आते हैं। क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे? कम से कम बैठ ही जाओ मेरे साथ। मुझे नींद आ रही है। मुझसे अकेले बैठ के खाना नहीं खाया जाता, उड़ जाती है मेरी सारी भूख। बहुत ही खुश शख्स है ये। इतने प्यार से बुला रही थी लेकिन पता नहीं क्या समझते अपने आप को, जैसे सिर्फ यही अकलमंद है। हाँ, ओह गॉड, मैं ये सब का सब खा गई। मुझे तो बस थोड़ा सा खाना था। ओह माय गॉड, ये वॉशरूम कहां पर होगा? हाँ, वाह, पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। जिसने भी बनाई है बात गहरी सोच उसकी। वाह, ओहो, इतनी सारी किताबें। जमीन पर आए मेरे 3 महीने का रिकॉर्ड। क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। ओ, तुम आए हो? तुम पागल हो क्या? जान निकाल दी मेरी। तुम आए कब? मेरी बात छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी पर्सनल जगह है। वॉशरूम ढूंढ रही थी, गलती से आ गई यहाँ। लेकिन ये सब क्या है? ये पुरानी किताबें, ये सब चीजें, तुम कोई और जॉब भी करते हो क्या? काफी महंगी चीजें हैं, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास?
कहीं रात में बैंक वगैरह तो नहीं लूटते ना? बहुत हो गया, जाओ यहां से। आई एम सॉरी, मैं वहां जानबूझकर नहीं गई। देखो मैं बाहर नहीं जा सकती। ये मेरा मसला नहीं है। वो सब लोग अभी तक बाहर हैं, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेंगे मुझसे। और जरा ये तो सोचो कि इतनी रात को मैं तुम्हारे अपार्टमेंट से बाहर जाऊंगी तो ये रिपोर्टर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो क्या करूं मैं? टीचर्स की जिम्मेदारी जानते हो ना, वो हर तरह से अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखते हैं। और इस वक्त आपकी स्टूडेंट परेशानी में है, तो इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम स्टूडेंट का ख्याल रखो। मैं जानती हूँ कि इरिटेट हो रहे हो तुम, लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ तुम्हारी। कौन है तुम्हारा टीचर? तुम? तुम्हारे जैसी बदतमीज लड़की मेरी स्टूडेंट नहीं हो सकती, और ना ही मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट समझता हूँ। ओके, दफा हो जाओ यहाँ से। हे, क्या तुमने क्या कहा है अभी? क्या कहा तुमने? कहा मैं दफा हो जाऊँ? जब तुम मुझे अपना स्टूडेंट नहीं मानते तो इतनी इज्जत क्यों दे रही हूँ मैं तुम्हें? किसने कहा इज्जत करो मेरी? मेरे ख्याल से तुमसे उसी तरह बात करनी चाहिए जैसे मैं बाकी सबसे करती हूँ। तुम उसी के लायक हो। मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड पढ़ा है, उम्र में बहुत छोटे हो तुम मुझसे। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, अगर मैंने बाहर जाकर लोगों से ये कहा तो सोचो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? मुझे इतनी शरीफ लड़की मत समझना, क्योंकि मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी। इसलिए जब तक मेरा मसला हल नहीं हो जाता मैं यहाँ से बाहर हरगिज़ नहीं जाऊंगी। सोच लो तुम्हें क्या करना है। जाऊं यहाँ से? ठीक है, मगर मेरी किसी भी चीज को हाथ बिल्कुल भी मत लगाना। बिल्कुल ठीक, नहीं लगाऊंगी। और मुंह बंद रखना, ज्यादा सवाल मत पूछना मुझसे। तो हाथ मिलाएं फिर हम? डील। हाथ पीछे करो अपना, मुझसे 10 मीटर दूर रहना। अच्छा मजाक था, ये डायलॉग तो मेरा होना चाहिए था कि तुम मुझसे दूर रहोगे, और अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। कैसा लड़का है ये? क्या मुझे देखकर इसे कुछ भी नहीं होता? कोई गड़बड़ तो नहीं इसके साथ? यूरा की फैमिली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो खुदकुशी कर सकती थी, जबकि पुलिस इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि उसने खुदकुशी ही की है। लेकिन काफी वीडियो कॉल्स का रिकॉर्ड यूरा के लैपटॉप में मौजूद है। उसमें काफी ऐसे सबूत हैं जो केस को सुलझाने में मदद दे सकते हैं। मैंने उस लैपटॉप को खुद चेक किया था, लेकिन वो डेटा कहीं और भी कॉपी हुआ है। वो कॉपीज तुम्हारे पास है? लैपटॉप से तो मैं डिलीट कर चुका हूँ, लेकिन उसकी कॉपीज हमारे पास नहीं है। वो कॉपीज यूरा के क्लच में होंगी। कहाँ है वो क्लच? क्लच वो हादसे की जगह पर नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज देखो दोबारा, और देखो वो क्लच किसने उठाया। भाई तुम जा सकते हो। बैठो, अब क्या हो गया? आपने न्यूज देखी है, क्या बोल रहे हैं ये रिपोर्टर्स? चैंग पर इल्जाम लगा रहे हैं। हो सकता है ये सुसाइड ना हो, किसी और ने उसका मर्डर किया हो, और जिसने किया है वो बहुत होशियार है, और चैंग को उसने मोहरा बनाया उसके लिए। लेकिन वो बेकसूर है भाई, उसके करियर को खराब करने के लिए ये मीडिया वाले बातें बना रहे हैं। देखो ये सब कुछ तो होता ही है, तुम मत लो इतनी टेंशन। रिपोर्टर्स उसके पीछे पड़े हैं भाई, कुछ करो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक्सक्यूज मी सर, जरा रसद दीजिएगा प्लीज। पूरी फौज आई हुई है इनकी। एक्सक्यूज मी, कौन से चैनल से बॉस? मैं शोगी टीवी से हूँ। मैं न्यूली न्यूज़पेपर से हूँ। वो बाहर नहीं आने वाली, हम बहुत मर्तबा कोशिश कर चुके हैं। अरे यार ये रिपोर्टर नहीं, मुझे उसका बॉयफ्रेंड लग रहा है। अगर ऐसा है तो इसी को इंटरव्यू कर लेते हैं। अच्छा बात सुनो,
यहाँ आओ, हमारे साथ खाना खाओ। अरे शर्माओ मत, आ जाओ, आओ। ओके, वो नहीं आएगी बाहर, आ जाओ। ये लो। आपको यकीन है कि वो घर पर ही है? हाँ, पूरा यकीन है। असल में उसको उसके मैनेजर ने मना किया बाहर आने। वो मैनेजर का घर? मैं ये पूछ रहा था कि वो, आपको वाकई लगता है कि चैन सॉन्ग अंदर है? मैनेजर ने यही बताया? एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है उस लड़की ने खुदकुशी क्यों की होगी? तुमने उसे सैलून में नहीं देखा था क्या? वो लड़की किसी और की जान ले तो सकती है, लेकिन सुसाइड नहीं कर सकती। और तुम्हें क्या लगता है मैं किसी की जान ले सकती हूँ? शादी होने वाली थी उसकी, बहुत खुश थी वो उस दिन कि वो एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। कह रही थी बहुत धूमधाम से करूंगी शादी। ये सब कैसे हो गया उसके साथ? मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन खुद को माफ नहीं कर पा रही मैं। तुम आखिरी बार उससे कब मिली थी? आखिरी बार उससे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये आवाज कहां से आ रही है? मैंने कहा था ना, सबको बताओ कि हमारा क्या ताल्लुक है। आखिर चल क्या रहा है? क्या चाहती हो तुम? यहाँ तुम्हारे सारे दोस्त मौजूद हैं, इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। जाओ और सबको बता दो कि हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। और अगर तुमसे नहीं कहा जा रहा तो मुझे कह दो, मैं सबको बता दूंगी। तो क्या करना है यूरा? तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? जब तुम मेरे साथ होते हो तो मैं परेशान नहीं रहती, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। देखो, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। इतना मत सोचो इस बारे में, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अच्छा, ऊपर तो कह रहा था कि क्या ये वाकई सच कह रही है या तुम क्या कर रही हो? कहीं तुम छुप कर मेरी बातें तो नहीं सुन रही थी? नहीं तो? आज ये बात मैं सबको बताने वाली हूँ कि जल्द शादी होगी मेरी। क्या ऊपा भी यही चाहता है? क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही हर आदमी चाहेगा कि उसकी बीवी तुम्हारे जैसी जवान और खूबसूरत नजर आए। अच्छा, वो सिर्फ मेरी खूबसूरती की वजह से नहीं, अपनी मजबूरी की वजह से भी शादी कर रहा है। हाँ, अंदाजा हो रहा है तुम्हारी बातों से। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं, ऐसे ही कोई नहीं मान जाता। एक खास वजह है जिसकी वजह से ऊपा मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। क्यों, ऐसी क्या वजह है? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बता दूं ये बात? हाँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। इस वक्त तो तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए। शादी के बाद मैं ये फील्ड छोड़ दूंगी, तुम मजे करना। फिक्र मत करो मेरी, मैं इस वक्त भी बहुत खुश हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। तुम्हारा ये तकब्बुर तुम्हें मुंह के बल गिराएगा एक दिन। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है?
बदतमीज, अपना क्लच तो यहीं भूल गई। अच्छा है वैसे। आखिरी मुलाकात थी उससे, बहुत कोशिश की उसका क्लच उस तक पहुंचाने की, लेकिन वो मिली ही नहीं। और उसके बाद मैं भूल गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ? वैसे उस रात कुछ अजीब सा हुआ था। भाई तुमने ये वीडियो बहुत बार देख ली है, अब इसे बंद भी कर दो। बार बार इस वीडियो में क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? बस अब मुझे नींद आ रही है। ये कौन है? इस लड़के का नाम लिस्ट में है और किसी जगह नजर नहीं आया। ये किसकी बात कर रहे हो? ये देखो। कौन? ये तो चैंग सॉन्ग है। हाँ, लेकिन ये लड़का कौन है? मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं सो गई थी, कुछ भी ठीक से याद नहीं मुझे। लेकिन एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा कि तुम वहां आए हो। लेकिन तुम वहां कैसे आ सकते हो? ये आदमी कौन है? तुम सही कह रहे हो, लिस्ट में तो इसका नाम ही नहीं है। तो ये आदमी इस जगह कैसे आ गया? एक मिनट, ये क्या था? हाँ, और वो आदमी कहाँ गया? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है ये आदमी कोई भूत भूत है। मुझे दिखाओ। तुम्हें समझ आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये देखो, मुझे लग रहा है इसी भूत ने इसको मारा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये आदमी शादी में आया कैसे। मुझे तो घबराहट हो रही है। वो लड़की, वो भी गायब हो गई। कौन लड़की? वो लड़का गायब हो गया और साथ ही चैंग सॉन्ग भी। इसका मतलब भूत ने मारा। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे जो कुछ हो रहा है सब हकीकत में हो रहा है। वैसे क्या उस रात तुम वहां आए थे? मैं कैसे आ सकता हूं वहां? सही कहा, तुम वहां कैसे आ सकते हो? गलत फहमी होगी मेरी, लेकिन सब हकीकत जैसा लग रहा था। तुम्हारा कोई और भाई है क्या? तुम Thank you.
희수요? 기회가 없었던 건 아닌데 한 번도 안 했습니다. 솔직히 인물이 이렇다 보니 유혹이 많았죠. 기니 할 말이란 게 무엇이오? 선비님, 이거 단원이라고 들어보셨지요? 단원 김홍도, 왕세손의 초상화까지 그렸네요. 요즘 한양에선 가장 대세인 화공이옵니다. 제 마음이니 받아주시어요. 그리고 이것도 한양 최고 절세가인의 청을 거절할 순 없지. 허나 그 전에 고백할 것이 있어. 내가 어디에서 왔는지 아시오? 예? 나는 저 별에서 왔어. 그래도 괜찮겠소? 아니 되겠지. 우리는 서로 다른 별의 사람들이니까. 제가 싫으면 싫다고 말씀을 하실 것이지 어찌 그런 말 같지도 않은 허무맹랑한 거짓말을. 너무하십니다. 진짜 자살인 거면 한유라는 뭐 우리 성희 때문에 죽은 게 되는 거야? 그럼 우리 성희는 어떻게 되는 건데? 보세요, 유서잖아요. 게임 오바지 이거는. 사람한테 상처 안 받는 법 알려줘. 아무것도 주지도 받지도 말고 아무것도 기대하지 마. 재경 오빠? 근데 우리 집 어떻게 알았는데?